हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है कि अभी हमारी आयुष काउंसलिंग चल रही है, जो कि ऑफलाइन मोड में होती है। और आज हमें हमारे वहाँ पर किन बच्चों को बुलाया गया था ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, तो आपको पता है जिनके मार्क्स 544 से 421 थे, अनरिजर्व के बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अनरिजर्व में क्लास सैनिक, फ्रीडम फाइटर और कौन सा रह गया तुम्हारा पीएच, इन बच्चों को भी बुलाया गया था। तो मैं आपको ये आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या गया है बीएमएस का, और अभी कितनी सीट्स वेकेंट है आज की काउंसलिंग होने के बाद। और मेरे जो कट ऑफ बताए थे वो भी ऑलमोस्ट वही गए हैं, क्योंकि मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बताया था। प्राइवेट का तो ऐसा है कि बस आपके 300+ मार्क्स होंगे तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कर रहे हैं कि उनको मैनेजमेंट की तरफ से कॉल जा रहा है, कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से कॉल जा रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि काउंसलिंग का भरोसा मत रखो, उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप हमको 1-2 लाख रुपए देके अपनी सीट सुरक्षित कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बिल्कुल ना पड़े इन सब चक्करों में। आपके अगर मार्क्स 250+ भी है तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो उन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, ये लोग बस पैसा खाना चाहते हैं आप लोग से, बस इनको पैसा छीनना है, किसी भी हालत में पैसा छीनना चाहते हैं बस। हर कोई पैसा चाहता है आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता, आपकी कोई जेन्युइन हेल्प करना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं आपको कॉलेज मिलेगा, मतलब मिलेगा। अभी बहुत सारी सीट्स वेकेंट है, आपको पता है आज कहां तक बुलाया था, 544 से 421 तक बुलाया था ना। अभी भी प्राइवेट की बहुत सारी सीट्स वेकेंट है, गवर्नमेंट की फुल हो चुकी है। दोनों गवर्नमेंट कॉलेज की 100% सीट्स जो अनरिजर्व की थी वो फुल हो चुकी हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि रायपुर में दो ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, रायपुर में है 63 सीट्स और बिलासपुर में है 64, जिसमें से अनरिजर्व की कितनी है 21, नो क्लास अनरिजर्व, नो क्लास। और अनरिजर्व में जो हमारी पीएच क्लास की है वो एक सीट है, दोनों कॉलेज में एक एक है, और जो टोटल सीट है अनरिजर्व की नो क्लास में वो 21 है, मतलब 22 सीट्स है, पूरी फुल हो चुकी है, कोई भी सीट्स वेकेंट नहीं है। अच्छा, कट ऑफ क्या गया वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो काउंसलिंग ऑफलाइन होती है बेटा, तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल करेक्ट डेटा दूं, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जो कट ऑफ गया है जीएसी रायपुर का वो गया है 502 नंबर। मैंने यहां भी ये भी बोला था कि जिन जो बच्चे ओबीसी के हैं, भले उनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन अगर उनके मार्क्स अच्छे थे तो उनको आज जाना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, क्यों जाना चाहिए था वो सब बातें अपन पहले कर चुके हैं। और अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो इसका गया है 474, जो कि मैंने बताया था इसका 470 के आसपास जो कि जाएगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया है, मतलब आज एडमिशन नहीं लेना था, 50% फीस आपको देनी थी, आपको एक हफ्ते का समय मिलता है एडमिशन लेने का। तो कुछ बच्चे जो इनमें से 1-2 बच्चे अभी ऐसे हो सकते हैं जो एडमिशन ना ले, तो उनकी जो सीट वेकेंट होंगी वो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिल की जाएंगी। ठीक है, चलो कल किन को जाना है आपको पता है, कल अनरिजर्व को भी जाना है और कल ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी जाना है। अनरिजर्व को कितने बजे जाना है, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को कितने बजे जाना है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस को 2 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लेके जाना है, मैंने पहले भी आपको बताया ईडब्ल्यूएस तो लेके जाना ही जाना है, साथ ही साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मतलब संपत्ति सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, मैंने आपको बताया, उनके नोटिस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हमारे, आपको पता है 3 प्राइवेट कॉलेज को अभी मान्यता मिल चुकी है, बीएमएस कोर्स की बात कर रहे हैं, बाकी और कोर्स की बात नहीं कर रहे अपन, 3 कॉलेज को परमिशन मिल चुकी है। वो 3 कॉलेज कौन कौन से, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, कौन कौन से हैं आपको पता है, 2 हमारे दुर्ग में है, 1 राजनांदगांव में है जिसको मनकी में है ना, मनकी छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज है, और यहाँ पे हमारे 2 है, 1 है राजीव लोचन करके दुर्ग में और 1 है भारती। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हैं, दुर्ग में 2 है और 1 राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में 1 और है, उसको भी परमिशन मिल जाएगी सेकंड राउंड तक, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आपको पता है उनमें पहले अनरिजर्व की सीट्स कितनी थी ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन कर लेते हैं राजीव लोचन की, तो इसमें जो अनरिजर्व की सीट्स थी वो 21 थी और 1 अनरिजर्व मतलब नो क्लास का हो गया, अनरिजर्व नो क्लास, और 1 अनरिजर्व में पीएच की 1 सीट थी। भारती में क्या था, भारती की भी बात कर लेते हैं, टोटल सीट्स इसमें कितनी है, टोटल कितनी है 51 है, इसमें कितनी है टोटल सीट्स जिसमें से अनरिजर्व की, मैंने आपको आपको बताई है, इसमें कितनी है टोटल 64, इसमें कितनी है 63। ठीक है, राजीव लोचन में कितनी है 51, जिसमें से अनरिजर्व नो क्लास की कितनी है 21 और 1 सीट किसकी है बेटा, अनरिजर्व में पीएच की, अनरिजर्व में पीएच की। ठीक है, भारती की बात करें तो टोटल सीट्स में 85 है, जिसमें से 34 अनरिजर्व नो क्लास की प्लस 1 है
अनरिजर्व सैनिक, एक है अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर और एक है अनरिजर्व पीएच, ठीक है। और अब बात कर लेते मंकी वाले कॉलेज की, उसमें टोटल 51 है, उतनी ही जितने की राजीव लोचन में है उतनी ही मंकी वाले में भी है, तो 21 प्लस 1, एक किसकी होगी अनरिजर्व, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं बेटा, ये पीएच और ये होगी अनरिजर्व नो क्लास। अब मैं आपको बता रहा हूं इनमें से तो कंप्लीट सीट फुल हो चुकी है, आज हो चुकी है, मतलब इसमें कितनी थी बेटा, इसमें थी 2 मिनट, हाँ 21 और 1, और इसमें भी 21 और 1, अनरिजर्व नो क्लास, अनरिजर्व नो क्लास, अनरिजर्व पीएच, अनरिजर्व पीएच, ये पूरी सीट फुल हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, टेंशन मत लो, ये हो चुकी है, कट ऑफ भी बता दिया मैंने, मैंने इसका आपको 495 के आसपास बताया था जो कि जाएगा, आप टेंशन मत लो, एक दो बच्चे यहां से छोड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं यहां भी एक दो बच्चे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, और कुछ ऑल इंडिया की जो 15% कोटा की सीट्स है वो भी स्टेट को मिलेगी, एमबीबीएस बीडीएस में नहीं मिलेगी लेकिन बीएमएस में भी मिल सकती है, ठीक है, है ना। तो अभी एमबीबीएस बीडीएस में तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ऑल इंडिया की जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें से आज पता है आपको सिर्फ और सिर्फ राजीव लोचन की कुछ सीट्स फिल हुई है, बस कितनी हुई है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, मतलब अभी भी इसमें 12 सीट बची हुई है, कितनी बची हुई है 12 बची हुई है, और एक सीट ए भी बची हुई है, मतलब इसमें से सिर्फ कितनी आज फिल हुई है 9 पे अलॉटमेंट हुआ है बस, और इसमें पूरा बचा हुआ है, इसमें भी पूरा बचा हुआ है, और इसकी सिर्फ एक सीट पे अलॉटमेंट हुआ है, मतलब इसमें कितनी बची हुई है 20, तो आप देख लो प्राइवेट में तो अभी ऑलमोस्ट कितना ही हुआ है, 9 सीट आज यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है और एक सीट पर यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, तो मतलब 10 हुआ है, इतनी सारी सीट्स थी, अभी कहाँ जाएंगी तुम लोग को, तो मिलेंगी भाई, काहे टेंशन लेते हो, 300 नंबर में मिल जाएगा, अभी बुलाया कहाँ तक है आपको पता है, अभी बुलाया है तुमको 343 तक, अरे 343 से कम पे भी मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो यार, थोड़ा सा सब्र किया करो, काहे टेंशन लेते हो, मैं हूं ना यार, काहे को तुम कॉलेज की बातों में आके उनको 1-2 लाख रुपए दे दे रहे हो बेटा, मत करो ये सब चीजें, मैं आपको हूं ना गाइड करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो ये कट ऑफ है आपका, ठीक है, तो ये क्या है ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, तो इसका डेटा मतलब इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए करता हूं, है ना, कि मुझे कहां से भी डेटा मिल जाए, मैं आपके पास जैसे मिलता है मैं आपको एक वीडियो बना के आपको बता देता हूं, ठीक है, तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। चलो टाटा बाय बाय।